हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे चलते हैं और मैट्रिक्स के और कौन कौन से स्पेशल टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हम यूनिट्री मैट्रिक्स से। पिछली वीडियो में हमने सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसका वीडियो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आज का फर्स्ट टाइप है वो है यूनिट्री मैट्रिक्स। तो क्या होता है ये यूनिट्री मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी यूनिट्री इफ ए थीटा इक्वल टू आई इक्वल टू ए थीटा ए। यानी कि ए थीटा मींस ए और ए थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो, या ए थीटा है यानी कि ए थीटा और ए का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड हो। अगर ऐसा ऑब्टेंड हो जाता है तो वो जो ए मैट्रिक्स होगा उसको यूनिट्री मैट्रिक्स हम नाम दे देंगे। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है विच इज आई जीरो जीरो आई। आई मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें थीटा निकालना है, ए के थीटा, और थीटा में क्या होता है कॉन्जुगेट भी निकालना होता है और हमको उसका ट्रांसपोज तो करना ही होता है। ट्रांसपोज में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होते हैं। दैट्स वाई मैंने कोई ऐसा मैट्रिक्स लिया है। अब मैं इसका ए थीटा निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ए थीटा मीन्स ए डैश का कॉन्जुगेट, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं दोनों का एक ही साथ कर देती हूँ। अगर मैं इसका डैश निकालूँ तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे एंड सेकेंड रो को भी कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। और अब मैं इसका कॉन्जुगेट करूं तो इसके साथ यूं माइनस का साइन आ जाएगा। अब मैं इनका प्रोडक्ट करती हूं, ए थीटा आई जीरो जीरो आई एंड ए थीटा क्या है मेरे पास आई जीरो जीरो एंड माइनस के आई। तो अब जब मैं इनका प्रोडक्ट करती हूं तो मुझे क्या मिलता है और प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये भी आप मेरी वीडियो को आई टी पे जाके देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट करने के लिए रो से चले और हम कॉलम से डाउनवर्ड्स हो जाते हैं, मींस पहले पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई और दूसरे दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई और ऐड करके हमें वो वाली पोजीशन का एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता है। तो आई 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 स्क्वायर हो जाएगा और वो भी माइनस के साथ। फिर हमें मिलेगा यहाँ से रो से चले एंड कॉलम से डाउनवर्ड्स हुए तो आई ज़ीरो, यहाँ हमें ज़ीरो ही मिलेगा, यहाँ पे भी हमको ज़ीरो मिलेगा एंड यहाँ पे हमको माइनस के आई स्क्वायर मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ? आई स्क्वायर हमारा माइनस वन होता है एंड माइनस माइनस प्लस वन, ज़ीरो ज़ीरो एंड ये भी प्लस वन। और ये ही क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन ज़ीरो ज़ीरो वन इस टाइप का होता है और यही हमें ऑब्टेंड हुआ है। अब अगर हम ए थीटा इंटू ए निकालेंगे, अगर हम ए थीटा को पहले और ए को बाद में लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके बाद भी हमें आई मैट्रिक्स ही ऑब्टेंड होगा। तो उसके बाद हम फाइनली कह सकते हैं कि ए जो है हमारा वो यूनिट्री मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम दोनों बातों को ऑब्टेन कर लेंगे उसके बाद हमारे पास फाइनलाइज रिजल्ट निकल के आएगा कि जो ए है वो यूनिट्री मैट्रिक्स है। काफ़ी आसान होता है, बस प्रॉपर्टीज़ को अपने रिमाइंडर रखना है कि ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर एंड विच इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ए डैश इक्वल टू ए डैश ए बराबर आई ऑब्टेंड होना चाहिए।
डैश को टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि डैश इज द ट्रांसपोज पोसेस। तो AAT या ATA बराबर हमारे पास आई ऑब्टेंड होना चाहिए। पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास थीटा करते थे, यहाँ पे हम ओनली डैश का यूज़ करते हैं। तो अब कोई भी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, माना मैंने ये मैट्रिक्स ले रखी है 1 0 0 1, मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी और ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझको जो ऑब्टेंड होगा वो आई मैट्रिक्स ही ऑब्टेंड होगा। और अगर मैं ए डैश को पहले लेके और ए को बाद में लेके मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तब भी मुझको आई मैट्रिक्स ही ऑब्टेंड हो रहा है। यानी कि मैं कह सकती हूँ ए जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब वो वाला जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, एंड विच इज आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। इन सब के बारे में हमने 12th क्लास में भी पढ़ा होता है और BSc और MSc सभी क्लासों में आता है, तो आप वहाँ की बुक्स से भी इसको मैच कर सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए होते हैं, आप उसको करके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करने से वो बात हमारे मन में अच्छे से आ जाती है ताकि हम उसको भूलते नहीं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं विच इज़ आइडिपोटेंट। तो आइडिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडिपोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। जब ए स्क्वायर मीन्स ए और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम ही मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर से हमें वही सेम मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो जाए तो उसको आइडिपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, माना मैंने लिया 1 0 0 1 और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के ही ले सकते हैं। माना 1 0 0 1 इसको मैं फिर से सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। और अगर मैं जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स ले लूं, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मुझको यही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये खास एग्जांपल है आइडिपोटेंट मैट्रिक्स के, जिनको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वही सेम मैट्रिक्स फिर से ऑब्टेन हो जाता है। तो ये कुछ खास ही मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि जब 1 0 0 0 हो, इसको मैं फिर से इसी के साथ करूंगी तो भी मुझे यही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। वन की पोजीशन अगर हम बदलते रहें तब भी अगर हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हमें यही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। यानी कि एक खास एग्जांपल है कुछ आइडिपोटेंट मैट्रिक्स बनने के। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, एंड विच इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ इट सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ऊपर मैट्रिक्स में हमें क्या ऑब्टेन हो रहा था ए स्क्वायर करके, वही सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा था, लेकिन इनवॉल्यूटरी में क्या हो जाता है, हमें सेम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई मैट्रिक्स ऑब्टेन जब हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो, तो वहाँ पे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, इसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे आई मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। यही सेम एग्जांपल आइडिपोटेंट में भी होता है कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है। और इसी एग्जांपल को हम इनवॉल्यूटरी से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब मैं इसी मैट्रिक्स की इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऑब्टेंड हो रहा है। अब इसी के जैसा मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ, -1 0 0 एंड -1, इसकी मैं इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे A1 0 0 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल मैट्रिक्स के कुछ और काइंड्स का डिस्कशन करेंगे, वो हमारी शायद स्पेशल मैट्रिक्स की आखिरी वीडियो होगी, तो
कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.